लोग आईना देखना छोड़ देते यदि उसमें चित्र नहीं चरित्र दिखाई देता। नमस्कार, मैं संदीप यादव, पोर्शन ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। इससे पहले जब हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें कई सारी चीजें देखे थे कि जो मोशन होता है वो क्या होता है, रिलेटिव होता है, पोजिशन रिलेटिव होती है, ये कई सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो और ये भी दो टाइप का होता है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। जैसे मान लीजिए हम लोग अगर मैथमेटिक्स में देखें, एक होती है एक्स एक्सिस होती है और एक क्या होती है वाई एक्सिस और एक होती है जेड एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस और ये क्या है जेड एक्सिस। और ये तीनों ही जो एक्सिस होती है क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। आप इसको यूं समझ सकते हैं, ये जो एक्स एक्सिस है ये इस डायरेक्शन में है और वाई क्या है ऐसे में है, और ये जो जेड एक्सिस है ये जस्ट बोर्ड के इस डायरेक्शन में निकली है। यूं समझो ये जो मार्कर है इसके बिल्कुल ऐसे में निकली है। तो ये क्या है, ये तीनों की तीनों एक्सिस जो होती है वो क्या करती है, एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो जैसे मान लीजिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का हम लोग यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि जैसे ये क्या है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू हम लोग किसी भी पार्टिकल की या किसी भी चीज की पोजीशन को बताते हैं, या कह सकते हैं ये 3D एक्सिस होती है ना, ये कैसी है, 3D एक्सिस है। तो जो 3D एक्सिस में किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को बताया जाता है वो क्या कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। अब इसको यूं समझो, जैसे मान लीजिए एक कोई पार्टिकल है, उसकी पोजीशन मान लीजिए यहां पर है, कोई पार्टिकल यहां पर है, इस पॉइंट पर है, सपोज दैट दिस इज पॉइंट पी। अब क्या है ये, क्या ये ओरिजिन है। अगर हम ये कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस के अराउंड, अगर मान लीजिए अगर हम लोग एक्स एक्सिस से अगर 3 यूनिट मान लीजिए ऊपर जाते हैं, ये कितना है 3 यूनिट, ठीक, और वाई एक्सिस से मान लीजिए 2 यूनिट जा रहे हैं, तो हम लोग ये, और मान लो जेड से सपोज दैट जेड वाले के लिए है मान लो 6 यूनिट है, तो हम लोग क्या करेंगे इस पार्टिकल की पोजीशन कैसे बताएंगे, क्या होगा एक्स एक्सिस के लिए कितना हो जाएगा 2 और वाई के लिए 3 एंड जेड के लिए 6 हो जाएगा। ये क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसका मतलब अगर हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम लोग 2 यूनिट जाते हैं, मतलब आप क्या कह सकते हैं कि इस एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम दो दो यूनिट इस डायरेक्शन में जाएं और 3 यूनिट वाई एक्सिस के अराउंड जाएं और 6 यूनिट कितना जेड के, तो क्या होगा हम लोग इस पार्टिकल की क्या बता सकते हैं, पोजिशन बता सकते हैं। जैसे या फिर अगर हम लोग देखिए यूज करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, सपोज दैट अगर हम लोग अनदर एग्जांपल में सपोज दैट दिस इज एक क्या एक ट्री है, ठीक, और इस ट्री से और मान लीजिए यहाँ पर एक कोई व्यक्ति खड़ा है, इसकी पोजीशन यहाँ पर है, हम ये कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है वो 10 मीटर दूर खड़ा है। तो क्या हमको इस 10 मीटर से ये समझ में आएगा कि कहाँ पर खड़ा है, नहीं समझ में आएगा, क्यों, क्योंकि हमने कोई रेफरेंस पॉइंट दिया ही नहीं। तो 10 मीटर कहने से ये तो नहीं समझ में आएगा ना कि ये व्यक्ति है कहाँ पर। तो इसकी एक्चुअल पोजीशन को बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज करते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है कि हम लोग किसी भी पार्टिकल के किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिसाइड करता है वो कौन करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखिए अगर हम कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है सपोज दैट दिस पर्सन इज ए, कोई व्यक्ति है वो इस पोजीशन पर खड़ा है, हम कह रहे हैं कि वो 10 मीटर खड़ा 10 मीटर दूर खड़ा है, तो हमको कुछ भी आइडिया नहीं लगेगा। तो अगर हम ये कहें कि यह जो पर्सन ए है वो इस ट्री से मान लीजिए 10 मीटर दूर खड़ा है, ये यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है 10 मीटर, तब हमको समझ में आएगा कि ये व्यक्ति कहां पर खड़ा है। तो हमारे लिए क्या हो गया, ये जो पेड़ है जो ट्री है ये क्या है, एक रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो
जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमको ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति है कहाँ पर। और वैसे भी हम लोग अपने डेली यूज मतलब लाइफ में भी यूज करते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए यदि आप कहीं पर गए और आप रास्ता भटक गए, अब हम लोग क्या करेंगे, किसी से पूछेंगे कि यहाँ पर कैसे जाएंगे, यहाँ पर हमको जाना है, तो कोई जो दूसरे जिससे आप पूछोगे तो वो आपको रास्ता बताएगा। वो कहेगा कि आप आगे से मान लो दाएं चले जाना, दाएं जाते जाना, फिर उसके बाद बाएं मुड़ जाना, फिर सीधे जाना, और सीधे जाने के बाद आपको वहां पर मान लीजिए कोई मंदिर दिखेगा, और उस मंदिर पर पूछ लेना कि मान लीजिए आपको किसी के घर जाना है तो उस घर वाले व्यक्ति का नाम पूछिए, तो वहां से आपको बता देंगे। तो इसमें क्या हुआ कि हाँ, जिससे आपने पूछा उस व्यक्ति का उद्देश्य ये है कि आप किसी तरीके से उस टेम्पल के पास चले जाइए। तो जैसे उसने कह दिया कि जब आप टेम्पल के पास मंदिर के पास चले जाएंगे तो वहां पर किसी से पूछ लेना कि हमको इनके घर पर जाना है, तो उस व्यक्ति ने आपको क्या कहा कि उस टेम्पल के पास जाना। इसका मतलब उस व्यक्ति के लिए जो टेम्पल है वो क्या है, एक रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो उस मंदिर को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे, ठीक। तो उसके बाद हम लोग जहां पर जिसको जाना रहता है वो चला जाता है। तो हम लोग अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। और वैसे भी रिलेटिविटी काफी हम लोग के डेली लाइफ में यूज होती है, जैसा कि हम लोग पहले भी बात किए हैं कि ऐसा नहीं कि हम लोग केवल फिजिक्स में रिलेटिविटी को जानते हैं। आप वैसे अगर हम लोग देखें तो इन जनरल अपनी लाइफ में देखें तो हम लोग किसी के लिए बेटा है, तो किसी के लिए भाई है, किसी के लिए कुछ भी हो सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो आइंस्टीन की जो दी गई है, तो हम लोग इसका अपने डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। अब हम लोग समझते हैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहला कौन सा है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दीज आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेकेंड इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, पहला होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम लोग इसको बारी बारी से समझते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। देखिए, इनर्शिया जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, लॉ ऑफ इनर्शिया का, उसमें क्या कहा जाता है कि यदि कोई वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट है यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, यदि वो मान लीजिए मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। इसका मतलब वो क्या करता है, अपने स्टेट का चेंज, अगर आप उसके स्टेट को चेंज करना चाहते तो क्या करता है, उसका विरोध करता है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। सपोज दैट कोई एक पर्सन ए है, अब मान लो ये यहाँ पर बैठा है, ठीक, और अब ये बैठा है और उसके पास मान लीजिए एक कोई फुटबॉल आई, किसी ने कोई एक दूसरा व्यक्ति है उसने क्या किया कि एक फुटबॉल को किक किया और ये फुटबॉल यहाँ पर आ गई, ठीक। अब फिर ये फुटबॉल जब यहाँ पर आ गई तो इस सपोज दैट इस व्यक्ति को अच्छा नहीं लग रहा कि ये फुटबॉल हमारे पास क्यों आई, ये चाह रहा है कि यह फुटबॉल चली जाए, दूर जाए। अब दूर कैसे जाए, तो कह रहा है कि फुटबॉल से, कह रहे कि फुटबॉल अब आप दूर चले जाइए। तो क्या फुटबॉल दूर जाएगा इससे, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये अब मान लीजिए जो फुटबॉल है ये रेस्ट में है तो ये मोशन में तभी आएगी जब हम लोग इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। तो अगर ये व्यक्ति कह रहा है कि ये फुटबॉल दूर चली जाए तो फुटबॉल दूर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ये रेस्ट में है और जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक ये दूर नहीं जा सकती है। तो अब इसने क्या किया कि इस व्यक्ति ने इसको दूर भगाने के लिए क्या किया, एक किक मारी,
एक किक इसके ऊपर मारा, अब मान लो फुटबॉल इधर कहीं आ गया, इसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो इसकी पोजीशन कब चेंज हुई, जब हमने क्या किया, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तब उस पार्टिकल की या कोई जो भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी पोजीशन में चेंजिंग होगी। पोजीशन में चेंजिंग तभी होगी जब हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, अन्यथा वो अपनी गति हमेशा जो जिस स्टेट में है वो उसी में रहना चाहता है। या फिर अगर हम मान लीजिए काफी तेजी से दौड़ रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि अचानक से बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं, अगर रुकते भी तो थोड़ा दूर जाकर रुकते हैं। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, मोशन से रेस्ट में आना चाहते हैं, लेकिन रेस्ट में आने के लिए हम लोग उस मोशन का क्या करते हैं, विरोध करते हैं कि नहीं, मोशन चाहता है कि अगर आपकी बॉडी मोशन में तो चाहेगी कि मोशन में ही रहे, लेकिन आप इसमें आना चाह रहे हो, रेस्ट में आना चाह रहे हो। तो रेस्ट में आने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, मोशन का एक तरीके से विरोध करना पड़ रहा है। ठीक, तो जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, इसमें जो न्यूटन्स का जो न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, या फिर कह सकते हैं न्यूटन का जो पहला नियम होता है वो वैलिड होता है। न्यूटन्स न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया ये क्या होता है, ये वैलिड होता है। मतलब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हम लोग देखें, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, कि ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया होता है ये क्या होता है, वैलिड होता है। या फिर हम कोई एक दूसरा एग्जांपल लें, सपोज दैट अगर मान लीजिए एक टेबल है, ठीक, अब टेबल के ऊपर एक प्लेट रखी गई है, मान लो इस प्लेट में कुछ खाने वाली चीज रखी गई है। अब हम मान लो अगर हम लोग यहाँ कोई व्यक्ति यहाँ पर है, अब वो इस ये व्यक्ति इस प्लेट में जो रखा हुआ जो चीज है उसको क्या करना है, खाना चाहता है। अब उसको खाने के लिए क्या करना होगा, वो तो ये कह, अगर ये कहेगा कि प्लेट मेरे पास आ जाओ मैं आपको खाऊंगा, ऐसा तो नहीं होगा कि प्लेट ऑटोमेटिक जाएगी और फिर इसके मतलब मुंह में चली जाएगी, ऐसा तो है नहीं। जो भी खाना होगा तो इसको क्या करना होगा, अगर तब इसको आना होगा, चलकर आएगा, फिर इस प्लेट को उठाएगा, तब जाकर खाएगा। तो हम इसकी पोजीशन कब चेंज कर पा रहे हैं, जब हमने इसकी इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए हुए हम लोग किसी भी पार्टिकल की स्टेट को नहीं चेंज कर सकते, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। तो अब इसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमने क्या किया कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तब इसकी स्टेट चेंज हो गई, ऐसा था नहीं कि ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो लॉ जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, इसमें यही कहा जाता है कि अगर कोई भी वस्तु अगर मान लीजिए विराम में है, विरामावस्था में, तो उसी में रहना चाहेगी, अगर वो गतिमान में है तो गतिमान ही रहना चाहेगी, अगर जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। तो ये तो हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें और भी एक चीज देखिए कि इसमें जो या तो बॉडी रेस्ट में रहेगी या फिर एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। इसमें कह सकते हैं कि या तो बॉडी रेस्ट में रहेगी, या तो रेस्ट में रहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन आपको पता ही होगा और रेस्ट भी पता ही होगा। रेस्ट क्या होता है, यदि मान लीजिए कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि वो अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं बदल रहा है, तो हम कहेंगे कि उसका वो जो व्यक्ति है वो किस में, रेस्ट में है। लेकिन मोशन में कब होगा, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा। तो इस वाले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा, जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो रहेगा। अब आपको पता होगा कि एक्सेलरेशन क्या कब जीरो हो सकता है या क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है क्या कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन देखिए दो केस हो सकते, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि जो इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल किया जाता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। और रेस्ट में कब होता है, कोई भी बॉडी अगर उसकी सपोज दैट एक
ये उसकी जो 3D एक्सेस अगर हम लोग देखें, ये एक्स प्लेन है, वाई और जेड। अगर टाइम बदलने के साथ साथ अगर उस पार्टिकल की पोजीशन अगर पी है, मान लो टी इक्वल टू जीरो पर उसकी पोजीशन कितनी है पी, ठीक, मान लो 2, 3, 6 इसका क्या है कोऑर्डिनेट है। और फिर हम कह रहे हैं कि आफ्टर 2 सेकेंड्स, मान लो टी इक्वल टू अगर 2 सेकेंड हो रहा है तो उस दौरान भी उस पार्टिकल के उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन यही पी पर ही है और जिसका कोऑर्डिनेट सिस्टम ये 2, 3, 6 है। और फिर आफ्टर मान लीजिए टी इक्वल टू अगर हम लोग 6 सेकेंड ले रहे हैं तब भी इस पार्टिकल की पोजीशन यहीं पर है। तो आप अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि टाइम बदलने के साथ साथ उस पार्टिकल की पोजीशन नहीं बदल रही है। इसका मतलब उसका अगर जो जैसे ना एक्स बदले ना वाई बदले ना जेड बदले, इन तीनों में से कोई नहीं बदलेगा, तो हम लोग कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है, रेस्ट में है, ठीक। और अगर अगर मान लीजिए कोई भी बदल रहा है, मान लीजिए एक्स बदल रहा है या वाई बदल रहा है, जेड बदल रहा है या 2 बदल रहा है, 3 बदल रहा है, जो भी हो, तो उस केस में क्या होगा, वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो मोशन में होगा। अब मोशन में वो यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकता है। लेकिन अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग बात करेंगे तो या तो बॉडी रेस्ट में रहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। इसका मतलब यहाँ से हम लोग ये ही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये इसका एक्सेलरेशन 0 होता है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कह सकते हैं ये एक अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। कैसा होता है, अनएक्सेलरेटेड। ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ये अनएक्सेलरेटेड होता है। और अब हम लोग दूसरा अगर बात करें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो यह एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। इसमें कह सकते हैं कि जो न्यूटन का जो पहला नियम है लॉ ऑफ इनर्शिया, ये वैलिड नहीं रहता है जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। इसमें क्या होगा कि न्यूटन्स लॉ जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है या लॉ ऑफ इनर्शिया वो क्या है, वैलिड नहीं रहता है, कह सकते हैं नॉट वैलिड। कौन सा, न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, ये वैलिड नहीं रहता है। किसमें, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और यह एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति, मान लीजिए 2 ग्रुप हैं, ठीक, और एक कहीं मोशन हो रहा है, तो एक कोई व्यक्ति कह रहा है, मान लो 2 पर्सन है, एक पर्सन ये है और दूसरा एक पर्सन मान लो बी है, ठीक, और ये दोनों पर्सन किसी एक मोशन को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जो ए वाला पर्सन है वो कह रहा है कि जो मतलब मोशन हो रहा है उसमें कह रहा है कि इसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड है। इसका मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया उस मोशन के लिए वैलिड है अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन ए। लेकिन अगर पर्सन बी देख रहा है वो कह रहा है कि नहीं यार, न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड है ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, तो हमको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। और जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड होगा वो कैसा होगा, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, ठीक। अब इसमें देखिए क्या हो सकता है, अब कौन से मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है इसको समझो। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक डिस्क है, ठीक। अब इस डिस्क में, इस डिस्क का क्या होगा, एक सेंटर होगा। सपोज दैट ये क्या है, एक डिस्क है और डिस्क का एक सेंटर है, ठीक। अब इस सेंटर के पास हमने एक मान लीजिए कॉइन रख दिया, बिल्कुल सेंटर के पास हमने कॉइन रखा। और इसमें क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग इस डिस्क को मान लो जैसे रोटेट करना शुरू करेंगे, तो जैसे ये रोटेट होगा क्या, ये जो कॉइन है ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, वो कुछ इस टाइप में यहाँ पर आ जाएगा। मान लो ये कॉइन जो है ये इस पोजीशन पर आ गया। अब देखिए हमने फोर्स अप्लाई किस पर किया, डिस्क पर। हमने किसको रोटेट किया, डिस्क को रोटेट किया विदाउट कह सकते
कॉइन के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, हमने अप्लाई किस पर किया है, डिस्क पर। लेकिन डिस्क पर अप्लाई करने के बावजूद भी जब ये मोशन में आ गई डिस्क, तो हुआ क्या कि ये कॉइन जो है अपनी पोजीशन चेंज करके इस पोजीशन पर आ गया। अब उस केस में होगा क्या कि देखिए, हमने कॉइन के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया, लेकिन फिर भी कॉइन अपनी पोजीशन चेंज कर लिया। तो यहाँ पर देखिए, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स जो कॉइन है वो अपनी पोजीशन चेंज कर लिया। इसका मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया यहाँ पर वैलिड नहीं होता है, डायरेक्टली अप्लीकेबल या डायरेक्टली वैलिड नहीं हो पाते हैं। तो वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो कॉइन अगर ये गया है, इसका मतलब क्या हो रहा है, सेंटर से दूर जा रहा है। ठीक, अब देखिए सेंटर से दूर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई हुआ होगा। हालांकि कोई फोर्स अप्लाई होता नहीं है, हम लोग ऐसी फोर्स यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इसको जबरदस्ती न्यूटन का पहला नियम लागू किया जाता है। हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक सूडो फोर्स लगता है। सूडो फोर्स ऐसी फोर्स होती है, कह सकते हैं ये मतलब मानी नहीं, होती नहीं है रियल में, लेकिन ऐसा हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि कोई ना कोई सूडो फोर्स लग रहा है। ठीक, अब सूडो, इसको छद्म बल भी बोला जाता है सूडो फोर्स को। जो सूडो फोर्स होता है, हम लोग यहाँ पर दो सूडो फोर्स मानेंगे। दो क्यों, क्योंकि देखिए ये जो कॉइन है ये क्या हो रहा है, पहले तो ये मूव कर जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, लेकिन यहाँ पर, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये सेंटर से दूर भी जा रहा है, लेकिन इसका पाथ कुछ इस टाइप में हो रहा है। अब देखिए सेंटर से दूर जा रहा है, इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक ऐसी फोर्स होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, और जो ये अपना पाथ जो चेंज कर रहा है, जैसे ये बिल्कुल सीधे ना जाकर कुछ इस टाइप में जा रहा है, इस फोर्स को बोला जाता है कोरिओलिस फोर्स। कौन सा वो फोर्स है, कोरिओलिस फोर्स। तो दोनों, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरिओलिस फोर्स, ये दोनों के दोनों सूडो फोर्स होते हैं, जो कि रियल में होते नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये फोर्स लग रहे हैं। ऐसा इसीलिए किया जाता है कि जहां पर हम लोग एक तरीके से जबरदस्ती न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया सोचते हैं कि यहाँ पर वैलिड हो जाए। या फिर अगर हम लोग नॉन इनर्शियल के लिए बात करें तो दूसरा देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी बाइक या किसी भी गाड़ी में अगर हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं, तो जब बस में क्या है, हम लोग क्या है मतलब आराम से बैठे हैं, जब आप आराम से उसमें बैठे हैं, लेकिन बस फिर उसमें अचानक से ब्रेक लगा, जब ब्रेक लगेगा तो क्या होगा कि आपकी बॉडी आगे की तरफ मूव कर जाएगी। मान लो ये क्या है, ये कोई बस है, ठीक, और इस बस में ये व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, और ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से पहले मूव कर रही है। इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने का मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा। लेकिन जैसे क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी, मान लो जब बस वाले ने क्या किया कि ब्रेक लगाया, जैसे ब्रेक अप्लाई किया गया, तो आपकी जो बॉडी होगी वो फर्दर आगे की तरफ मूव कर जाएगी। जब वो आगे की तरफ मूव करी, तो क्या आपके ऊपर किसी ने फोर्स अप्लाई किया, नहीं, ना ही आपके दाएं से, ना ही किसी बाएं ने, मतलब किसी ने भी आपके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया, लेकिन फिर भी आप आगे की तरफ क्यों गए, इसका मतलब आपके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हुआ होगा, हालांकि कोई फोर्स होता नहीं है। उसी फोर्स को ही हम लोग मान लेते हैं एक सूडो फोर्स होता है। वो क्या है, सूडो फोर्स क्या है कि आपको मतलब पीछे से आपको जैसे लगेगा कि किसी ने धक्का दे दिया, लेकिन रियल में तो कोई ऐसा कोई पर्सन होता नहीं कि वो आपको पीछे से धक्का दे रहा है, तो उसी फोर्स को ही बोला जाता है सूडो फोर्स। अब देखिए यहाँ पर विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स आपकी पोजिशन हो गई चेंज, इसका मतलब यहाँ पर लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड नहीं है, और ये कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो अब हम लोग अगर देखें, ये तो हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे अगर मान लो कोई भी अगर रेस्ट में है कोई भी बॉडी, जैसे हम लोग पहले बात किए थे कि जो मोशन होता है वो क्या होता है, रिलेटिव होता है। मान लो एक बॉडी रेस्ट में है, ठीक, किसी एक के लिए रेस्ट में है और किसी एक के लिए मोशन में भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये रिलेटिव होता है।
अब देखिए ये कैसे होता है, जैसे मान लो एक एक ट्रेन है और ट्रेन में क्या है, दो पर्सन यहाँ पर बैठे हैं। मान लो एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी है, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट सामने, मतलब एक दूसरे के सामने बैठे हैं। और इनको मान लो ए वाले को छोड़ने के लिए कोई एक सी पर्सन आया था स्टेशन पर, छोड़ने के लिए कोई सी पर्सन था जिसने क्या किया, ए वाले को छोड़ दिया, मतलब इसमें बैठाया, और जब ट्रेन रेस्ट में थी ए भी जाकर बैठ गए, और उसके सामने मान लो कोई दूसरा पर्सन बी है, ये दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं। अब देखिए ये दोनों जो हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं, और इसके लिए भी रेस्ट में हैं, क्योंकि ये भी एक खड़ा होकर इन दोनों को देख रहा है। अब मान लो किस डायरेक्शन में जो है ट्रेन मान लो मूव कर गई, किसी एक वेलोसिटी से मूव करी इस डायरेक्शन में। अब जब ये इस डायरेक्शन में मूव करी, इसका मतलब ट्रेन ने अपनी पोजीशन चेंज करी। और देखिए अब ये जो सी पर्सन है ये तो यहीं पर खड़ा है, ठीक। अब ये देखिएगा कि ये जो दोनों पर्सन ए और बी हैं ये क्या हो गए हैं, मोशन में हो गए हैं। तो कह सकते हो सी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये दोनों किस में है, मोशन में है। लेकिन अगर हम लोग वहीं ये कहें कि जो ए वाला पर्सन है क्या बी उसके रिस्पेक्ट में मोशन में है, नहीं है। मान लो ये कहीं पर भी मतलब सीट पर से उठकर कहीं नहीं जा रहा है, ये यहीं पर बैठा है, तो ए वाले के नजर में बी वाला मोशन में है, नहीं है। तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज आपके रेस्पेक्ट में हो सकता है मोशन में हो सकता है दूसरे के रेस्पेक्ट में हो, मतलब रेस्ट में भी हो सकती है। जैसे इसी सी के लिए देखा जाए तो बी क्या है, मोशन में है, लेकिन अगर ए के लिए देखा जाए तो ए के रेस्पेक्ट में बी क्या है, रेस्ट में है, क्योंकि वो अपनी सीट नहीं छोड़ रहा है। तो यहाँ पर जैसे अगर हम लोग कहें, अगर मान लीजिए मैं बिल्कुल अगर स्ट्रेट खड़ा हो जाऊँ, इसका मतलब मैं रेस्ट में हूँ, लेकिन मैं मोशन में भी हो सकता हूँ। और कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि हम लोग किसके ऊपर खड़े हैं, अर्थ के ऊपर। अब आपको पता है जो अर्थ है वो मूव करती है सन के अराउंड, क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, और ऑन इट्स एक्सिस मतलब रोटेट भी करती है। जो अर्थ होती है दो टाइप का मोशन करती है ना, कि ये एक तो अपनी एक्सिस पर ही रोटेट करती है, सपोज दैट ये क्या है, ये इसका सपोज दैट ये अर्थ है, और ये अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, और दूसरा ये होता है कि वो सन के अराउंड ऐसे रिवॉल्व करती है। इसका मतलब अगर जो अर्थ है वो किस में है, मोशन में है, जब वो हम किस पर खड़े हैं, इस मान लीजिए अर्थ पर हैं, और अर्थ जो है इस सन का मान लो चक्कर लगा रही है, मान लो ये सन है और सन के अराउंड जो अर्थ है वो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है। और एक दूसरा प्लेनेट अगर हम लोग ले रहे, सपोज दैट मून जो है, मून पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है। अब देखिए अगर इस अर्थ के ऊपर कोई एक व्यक्ति खड़ा है, वो भी इस ये दोनों अर्थ पर है, ठीक, और ये जो व्यक्ति है ये मून पर है, और ये अर्थ है और ये सन है, ठीक। अब देखिए इस पर्सन के लिए ये जो पर्सन है ये रेस्ट में हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग बात करें इसके लिए ये दोनों किस में रहेंगे, मोशन में रहेंगे। क्यों, क्योंकि अर्थ खुद रोटेट कर रही है, रोटेट ये तो अपने एक्सिस पे कर रही है, और सन के अराउंड क्या कर रही है, चक्कर भी लगा रही है। इसका मतलब जब अर्थ यहां पर आ गई तो ये पर्सन जितने हैं ये भी तो इधर आ जाएंगे, हो सकता है ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में ना हो, लेकिन ये जो यंग जो मून के ऊपर जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए दोनों किस में आ गए हैं, मोशन में आ गए हैं। ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन इस पर्सन जो मून पर है उसके रेस्पेक्ट में किस में है, मोशन में है। तो ये जरूरी नहीं कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है वो हो सकता है आपकी नजर में रेस्ट में हो, लेकिन किसी दूसरे की नजर में वो मोशन में भी हो सकता है। तो दोनों ही अपनी जगह पर सही होते हैं। अब हम लोग अगर देखा जाए, अब आपको ये बताना है कि जो अर्थ है, देखिए जितनी भी रोटेटिंग बॉडी होती है उनको हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखते हैं, ठीक। अब हमने अभी तक बात किया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आपको ये बताना है कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ जो घूम मतलब जो अर्थ है हमारी, क्या ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। आपको ये इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि ये अर्थ जो
हमारी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आज इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आप लोग देखना और उसके बाद हम लोग बात करेंगे। देखिए जितनी भी रिलेटिविटी की अगर आइंस्टीन की देखें तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए आगे बात होगा, क्योंकि हमको बात ज्यादातर इसी पर ही करनी है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। लेकिन आपको इसका जवाब देना है कि अर्थ जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।